नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली। हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री शामिल हो गए हैं। जल्द ही विभागों का भी बंटवारा होगा। अनिल विज को हरियाणा कैबिनेट से बाहर रखा गया है। विज नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज चल रहे थे। अनिल विज हरियाणा के 6 बार के विधायक रह चुके हैं। मंगलवार को बीजेपी ने हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार का आगाज किया। बीजेपी ने करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में नहीं पहुंचे जेपी नड्डा। हरियाणा के रेवाड़ी में झुग्गियों में आग लगने से 30 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ पुलिस ने प्राइवेट नर्सरी पर छापेमारी कर अफीम के 725 पौधे बरामद किया। पुलिस ने नर्सरी मालिक और माली को गिरफ्तार किया। ये खेती आईटी पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले किशनगढ़ गांव में की जा रही थी। चरखी दादरी पुलिस ने सपा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पानीपत के सरकारी अस्पताल में डस्टबिन में 5 महीने का भ्रूण मिला। इलाज कराने आए लोगों ने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। नई दिल्ली में कैंसर की नकली दवा बनाने वालों पर अब ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 65 लाख रुपए कैश जब्त किया। यूट्यूबर एल्विश यादव सांप के जहर की तस्करी मामले में जेल में बंद है। एल्विश 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। एल्विश की मां का रोकर बुरा हाल है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे सपोर्ट करती नजर आई। घरेलू बेंचमार्क कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन रेड जोन में बंद हुआ। बीएसई पर सेंसेक्स 736 अंकों की गिरावट के साथ 72,000 पर क्लोज हुआ। वहीं एनएसई पर निफ्टी 1.10% की गिरावट के साथ 21,813 पर क्लोज हुआ। ताजा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें ईटीवी भारत.com पर।